बोल दो पापा को कि तू इस चित्ता लड़की को फल बेचने में हेल्प कर रहा था। हेल्प? मैं क्या कर रहा था उसका हेल्प? मैं तो तुम्हारी साइड पे था। चले झूठे, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। तुम ना खुद को बचाने की सिर्फ कोशिश कर रहे हो। लूजर। तू भी लूजर है। तू कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। स्कूल की छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों घर पर समय बर्बाद करो। चलो जाओ पढ़ाई करो। जी पापा। अरे सोलंकी साहब, धन्य भाग हमारे, आप हमारे द्वार पधारे। नमस्कार। नमस्ते। अब आपकी इजाजत और आपके आदेश के बिना आपकी इस हवेली में तो दूर की बात है, आपके इस इलाके में भी परिंदा पर नहीं मार सकता कालीकांत बाबू। बताइए ऐसी क्या बात थी जो तो फोन पे नहीं हो सकती थी? ये तो आपका बड़प्पन है। आइए। हाउ आर यू आकाश? वीक, बहुत वीक। स्टुपिड। वैसे आज तो स्कूल बंद है, सो व्हाई आर यू वेयरिंग दिस स्कूल ड्रेस? वो मैं क्लास मॉनिटर हूँ ना, तो बस प्रैक्टिस कर रहा था कि क्लास में बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है। नमस्कार गायत्री जी। खुश। ओ वाओ आकाश, तुम ये रूबिक क्यूब्स को सॉल्व कर लेते हो? हाँ। ओ ग्रेट, सो कूल आकाश। थैंक यू। हाँ, इसमें क्या कूल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बिगाड़ के दो। भैया आप वो बीच वाले रो को ट्राई करो ट्विस्ट करने की। हाँ हाँ। और यू हाँ, सुनो ना मेरी बात। अरे अरे जैसे आकाश कह रहे वैसे करो ना स्टूपिड, नहीं तो तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सूरज ये क्या तरीका है, ऐसा करते हैं खेल में? सूरज माँ इनकी यही आदत है, अगर हारने लगते हैं या कुछ नहीं कर पाते तो तोड़ देते हैं। बाप रे ये तो फुदक ही गया। अरे ब्रेड सेकने वाला मशीन है ये। ब्रेड?
कोका होता है। ए छोकरी, चिड़िया घर में आई है का? जो बंदर जैसा यहाँ वहाँ उछल रही है, चुपचाप देख ले और सीख ले। इसमें मसाला पीसता है और कल से तुझे ही काम करना है ये सब। नमस्ते जस साहिबा। अमूल तुम यहाँ? जस साहिबा, हमारी तो डबल ड्यूटी है ना, पति होने के नाते भी और एसपी होने के नाते भी, तो अपने दोनों फर्ज निभाने चले हैं और सोचा आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर लें फॉर टेकिंग चार्जेस। थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइन। वैसे जज साहब, आप अपना कर्तव्य, अपना फर्ज, अपने ड्यूटीज अच्छे से निभाइएगा। मैं और मेरा पूरा डिपार्टमेंट आपका पूरी तरह से सहयोग करेगा। मेरा डिपार्टमेंट अपराधियों को पकड़ के लेके आएगा और आप उन्हें सजा दीजिएगा। मेरा काम सजा देना नहीं, लॉ के हिसाब से इंसाफ देना है। जज होने के रूप में मेरा सबसे बड़ा टास्क ये तय करना है कि कौन अपराधी है और कौन नहीं। जी जी, जज साहब आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चूक तो कभी कभार हमसे हो जाती है ये जानने में, ये तय करने में कि कौन अपराधी है और कौन नहीं। लेकिन इस बार हमसे कोई चूक नहीं हुई जज साहबा, क्योंकि इस बार जिसे हम पकड़ के लाए हैं उसे कानून भी जन्मजात अपराधी मानता है और वो एक चित्ता है। केस नंबर 17, जंगल से अवैध तस्करी का मामला, पुलिस द्वारा मुलजिम को पेश किया जाए। भौजी, ये आपके लिए। अच्छा बच्चू, अभी से दल बदल ली क्या राखा? यही हमारी दोस्ती और नहीं तो क्या। भौजी, अब आप दोनों ना जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर देखिएगा कि इस जंगल की सबसे अच्छी चीज कैसे खिलाते हैं हम आपको। तो ठीक है फिर, आज से मैं और राखा भैया एक दल में। अरे